हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि टेंथ क्लास का रिजल्ट 30 अप्रैल को आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट कैसे होगा, किस वेबसाइट पर चेक करना है, कहाँ पर चेक करना है। सारी डिटेल्स मैं बतलाऊँगा और आप लास्ट तक देखिए वीडियो, कुछ आपको समझ में आ जाए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए आप सभी के एग्ज़ाम्स 30 मार्च को ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट किया गया था कि 27-28 को अप्रैल के दिन आपका रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन लास्ट 24 को इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट रिलीज़ किए गए थे। उसी दिन अनाउंस किया गया था कि 30 अप्रैल को टेंथ क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफिशियली डिक्लेयर किए गए, तो प्रेस नोट भी मुझे पूछ रहे हैं। देखिए प्रेस नोट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है और वो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन मैं भी 99% 30 अप्रैल को ही आपका रिज़ल्ट रिलीज़ होगा। 11 बजे के बाद रिलीज़ होगा, 12 भी बज सकते हैं, 1 भी बज सकते हैं। और आप लोग टेंशन नहीं लेना, कभी कभी सर्वर बिजी रहेगा जिसकी वजह से रिज़ल्ट जैसे रिलीज़ करे सभी स्टूडेंट एक साथ अपना रोल नंबर चेक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम भी देगा। तो टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे करके सबका रिज़ल्ट आएगा। बस ये उम्मीद रखना है कि हमारा रिज़ल्ट बेहतर हो, हमारा GPA बेहतर हो। जितना हमने एक साल मेहनत की है और जितने हम नर्सरी से LKG से जितनी मेहनत करते हुए आ रहे हैं, इसी दिन के लिए हमने मेहनत की है, इसी रिज़ल्ट के लिए मेहनत की है, ताकि हमारी स्कूल लाइफ हैप्पीली खुशी से हम ख़त्म कर सकें। ना ही हमको एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में रुकना है, ना ही हमको फिर दोबारा स्कूल जाने की नौबत आए। इस तरह हमारा एक पॉजिटिव उम्मीद हमको रहना चाहिए। वही पॉजिटिव उम्मीद के साथ आपने एग्ज़ाम लिखा है, मैंने भी जितना मुझसे बन पाता है उतना मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश किया हूँ। कुछ मुझसे जो बन पाता है, एक 5%, 2%, 3%, 1% जितना भी मुझसे बन पाता है, वो आपको मैं हेल्प करने की कोशिश किया हूँ। आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है और आप सभी ने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया है, आप सभी का धन्यवाद। चलिए अब जो मेन मुद्दा है उसी पर आते हैं। आप रिजल्ट कैसे चेक करें, कहां पर चेक करें? देखिए मैं रिजल्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट चेक करने के लिए बहुत सारे प्राइवेट वेबसाइट्स होते हैं, जैसे manabadi.com, www.manabadi.com, www.school9.com, www.sakshi.com, www.enadu.com। इस तरह बहुत सारे प्राइवेट वेबसाइट होते हैं, लेकिन आपको चेक करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट है BSE तेलंगाना, www.BSE तेलंगाना। BSE तेलंगाना का मतलब है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तेलंगाना। इस पर क्लिक करके आपका रिजल्ट वहां पर देगा और यहां पर आपको प्रॉपरली अपना रिजल्ट मालूम होगा, मेमोस भी डाउनलोड होंगे। और रिजल्ट चेक करने का क्या प्रोसीजर होगा, आपका नेम टाइप करना, पहले आपको रोल नंबर टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। मेमोस जब टाइप करेंगे तो जब मेमोस के वक्त अलग से और हॉल टिकट के वक्त अलग से नेम, स्कूल नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह सारा प्रोसीजर था, अभी ऐसा नहीं रहेगा। सिर्फ आप लोग रोल नंबर अपना टाइप कीजिए, आपका रिजल्ट 2 सेकंड 5 सेकंड जितना भी देगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट है BSE तेलंगाना, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरे वेबसाइट से भी आपको चेक कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंस होगा उस वेबसाइट पे आप चेक करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो, आपने जिस मेहनत के साथ लिखे हैं उसका सफल हो, उसके अंदर अच्छे मार्क्स आए और नेक्स्ट आप कॉलेज में जाने के लिए आपका रास्ता आसान हो। बस यही उम्मीद करते हैं माय डियर स्टूडेंट, और मैं भी कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मेरी तरफ से, मेरी चैनल की तरफ से, आप भी सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट।